नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो जाएगा। 5 दिवसीय सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का भी सदन में हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। सदन में हम आपको बता दें कि सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर विधायकों के बैठने के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2022 के चुनाव को देखते हुए विपक्ष सदन में भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि वहां सरकार ने भी विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले मुद्दों पर जवाब देने की रणनीति बनाई है। धामी का बतौर मुख्यमंत्री यह पहला विधानसभा सत्र होगा। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 12 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 16 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर 317 पहुंच गई। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 321 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,42,749 हो गई है। इनमें से तकरीबन 321,29,006 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,377 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली। इसके तहत सदन में बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं में खामियां, देवस्थानम बोर्ड, किसान, भू कानून जैसे मुद्दों को उठाकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसके साथ कांग्रेस कोरोना सहित तमाम मुद्दों को लेकर नियम 58 के तहत काम रोको प्रस्ताव लेकर चर्चा की मांग करेगी। एक होटल में आयोजित कांग्रेस विधानसभा मंडल की दल की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधायकों के तीखे तेवरों के साथ आम जन से मुद्दों को सदन में उठाने पर जोर दिया है। आपको बता दें कि सदन में बैठक चल रही है, जहां पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधायकों को तीखे तेवरों के साथ आम जन से मुद्दों को सदन में उठाने पर जोर दिया है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियों के कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। वहीं सितारगंज नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हाजी अनवर अहमद और उत्तराखंड दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष हसनैन मलिक ने संयुक्त रूप से हाजी अनवर अहमद के आवास पर प्रेस वार्ता की, जिसमें मीडिया से रूबरू होते हुए हाजी अनवर अहमद ने कहा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में सितारगंज विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक होने के कारण हाजी अनवर अहमद ने सितारगंज विधानसभा से मुस्लिम समाज के प्रत्याशी को कांग्रेस कमेटी के टिकट देने की अपील की है। देख रहे हैं लगातार आने वाला 22 का चुनाव हमारे बिल्कुल नजदीक आ चुका है और आज हमने और हमारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन बड़े भाई अनवर अहमद साहब ने हमने दोनों मिलकर प्रेस वार्ता इस बात की है। टिकट का दावा अनवर भाई ने भी किया और मैंने भी किया है। हमारा मकसद है, देखिए हम लोग हमेशा अभी तक यहाँ पर जो जनसंख्या को देखते हुए, पिछड़े एरिया को देखते हुए, एक हमारा एरिया सितारगंज विधानसभा बहुत पिछड़ा एरिया है, उसको देखते हुए आज हम लोगों ने और मुस्लिम समाज की आबादी देखते हुए जिस तरीके से मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ी है हमारी विधानसभा के अंदर, अपने देशवासियों को, इस विधानसभा के जनता को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आज इसलिए रखी गई है, सबसे पहली हमारी मांग ये है कि उत्तराखंड में हरीश रावत का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए बनाया जाए और उनके नेतृत्व में ये इलेक्शन लड़ा जाए। दूसरी बात यह है कि क्षेत्र में मुस्लिम
समाज जो है आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मतदाता है। और पिछली बार भी हमने मांग की थी, रावत जी से कहा था कि बंगाली को दो या मुस्लिम को टिकट दो, बंगाली को टिकट दिया रावत जी ने, बंगाली समुदाय ने उसका साथ नहीं दिया, जबकि मुस्लिमों ने 80%। देवीधुरा के प्रसिद्ध मां ब्रज बाराही धाम में प्राचीन काल से चले आ रहे बग्वाल मेले की तैयारियां पिछले हफ्ते से चल रही थी। बग्वाल के लिए खोलीकांड धूप चौड़ मैदान सुबह से ही सज चुका था। बग्वाल के लिए पूर्व से कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था। पारंपरिक पूजा के बाद मंदिर के पुजारी का आदेश मिलते ही फल और फूलों से युद्ध शुरू हो गया और करीब 7 मिनट तक खेला गया। हर साल रक्षाबंधन के दिन कुमाऊं का प्रसिद्ध बग्वाल खेला जाता है, जिसमें 4 खाम और 7 थोक के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। एक गढ़वाल खाम के प्रतिनिधि होने के नाते आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। जैसा कि मैं गढ़वाल खाम का प्रतिनिधित्व लगभग 9 साल से करता आ रहा हूँ और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ये कोरोना महामारी के कारण कुछ बग्वाल के कुछ नियमानुसार बग्वाल खेली गई, जिसमें शांतिपूर्ण रूप से बग्वाल का जो बग्वाल मेले का पारंपरिक जो परंपरा थी उसे निभाया गया। और इसमें हमारे जो शासन प्रशासन के लोग थे उन्होंने भी बहुत, आपको बता दें कि चंपावत में बग्वाल मेले की तैयारियां पिछले हफ्ते से ही चल रही थी। बग्वाल के लिए खोलीकांड धूप चौड़ मैदान सुबह से ही सज जाता है। बग्वाल के लिए पूर्व से कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था। पारंपरिक पूजा के बाद मंदिर के पुजारी का आदेश मिलते ही फल और फूलों से युद्ध शुरू हो गया और करीब 7 मिनट तक खेला गया। हर साल रक्षाबंधन के दिन कुमाऊं का प्रसिद्ध बग्वाल खेला जाता है, जिसमें 4 खाम और 7 थोक के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के गुलाब नगर में जीवन हेल्थ केयर क्लिनिक का किसान कामगार मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदान ने उद्घाटन किया। जीवन हेल्थ केयर से शहरवासियों व ग्रामीणों को काफी लाभ मिलेगा। यहां पर सभी प्रकार के टेस्ट व सभी प्रकार के मरीजों को निःशुल्क परामर्श के साथ डॉक्टर सेवाएं भी देंगे। वहीं किसान कामगार मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने कहा कि डॉक्टरों ने कोरोना काल में बहुत ही निष्ठा के साथ लोगों की सेवा की है। इस पर मंडी रोड पर एक अस्पताल खुला हमारे डॉक्टर साहब ने, सभी उसका मरीज का इलाज करेंगे। और डॉक्टर जो होते हैं इन्होंने कोरोना काल में भी बहुत निष्ठा के साथ में लोगों की जान बचाई है और सेवा करी है। इनकी सच्ची सेवा करते हैं डॉक्टर लोग। भगवान के बाद में डॉक्टर साहब हुए, पुलिस वाले हुए, पत्रकार हुए, ये सभी लोग जो है बहुत सच्ची। खबर रुड़की से है, जहां पर सभी प्रकार के टेस्ट एवं सभी प्रकार के मरीजों को निःशुल्क परामर्श के साथ डॉक्टर सेवाएं भी देंगे। वहीं किसान कामगार मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सुभाष नंबरदार ने कहा कि डॉक्टरों ने कोरोना काल में बहुत ही निष्ठा के साथ लोगों की सेवा की है। लक्सर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। लक्सर पुलिस ने मंगलौर पुलिस एसटीएफ और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ सहयोग से 300 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया तस्कर लंबे समय से तस्करी कर रहा था, फिलहाल पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि खबर लश्कर से है, जहां 300 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। टेररिस्ट एसटीएफ और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सहयोग से 300 ग्राम स्मैक के साथ जिस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है उससे तस्कर लंबे समय से तस्करी कर रहा था, फिलहाल पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है। लश्कर पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतरजातीय वाहन चोर के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। कड़ी पूछताछ के बाद उनसे अलग अलग जगह की चोरी की गई, 12 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। साथ ही लक्सर पुलिस ने पॉस्को एड के मामले में वांछित चल रहे 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को भी गिरफ्तार किया। लश्कर कोतवाली ने पहुंचे एडिशनल एसपी प्रवीण डोबाल ने बताया कि लश्कर कोतवाली क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में भी वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई, जिसने अपने मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरों की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को चेकिंग के दौरान सफलता हासिल लगी है।
आपको बता दें कि खबर लश्कर से है, जहां पर पुलिस की टीम को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिस पर लगाम लगाने के लिए एसएसपी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई थी, जिसने अपने मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरों की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को चेकिंग के दौरान सफलता हाथ लगी है। अब खबर रावली से है, जहां रावली महदूद में नशीली दवाओं को बेचने के आरोप में सील किए गए मेडिकल स्टोर का संचालक के द्वारा ताला तोड़े जाने की जानकारी मिली। ग्राम रावली महदूद के स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि बीती 21 अगस्त को ड्रग विभाग द्वारा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उक्त मेडिकल स्टोर को नशीली दवाई बेचे जाने के दोषी पाए जाने के चलते सील कर दिया गया था। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीती देर रात मेडिकल पर विभाग द्वारा लगाए गए ताले को तोड़कर संचालक के द्वारा अपना ताला लगा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस विषय में गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले पर कड़ी कार्रवाई मेडिकल संचालन पर होनी चाहिए। खबर हरिद्वार से है, जहां ड्रग विभाग की एक बड़ी आपको बता दें कि स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बीती देर रात मेडिकल पर विभाग द्वारा लगाए गए ताले को तोड़कर संचालक के द्वारा अपना ताला लगा दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस विषय में गंभीरता से इसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बाजपुर में भले ही उत्तराखंड राज्य की सरकार राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च कर रही वाहवाही लूटने का काम कर रही है, वहीं शिक्षा कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के गदरपुर विधानसभा के ग्राम नरखेड़ा के ग्रामीण गंदगी में जीने को मजबूर हैं। विधानसभा गदरपुर के ग्राम नरखेड़ा को बसे हुए लगभग 30 साल हो गए, परंतु गाँव के गंदे पानी के निकासी का इंतजाम नहीं हो पाया, जिससे पूरे गाँव के रास्तों में गंदा पानी भरा पड़ा है, जिसमें तमाम मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं, जिससे तमाम भयंकर बीमारियों का खतरा ग्रामीणों के सर पर मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार समस्या सुनने को तैयार नहीं है। गांव जो था सरकार द्वारा बसाया गया था पारिवारिक पट्टे देकर, उसके बाद यहाँ पर लोग जमीनें हैं, ये जमीने वाले कहते कि हमारे को मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए हम नाली नहीं निकलने देंगे। तो उन्होंने बस यही एक अपने धींगा धांगी लगा रखी है कि अगर जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा हम तुम्हारी नाली नहीं निकलने देंगे। और हम बार बार सरकार से अपील करते चले आए हैं जब से गांव बसा है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। बच्चे पानियों में गिर रहे हैं और काकमांगे सब नालियों में पानी भर जाए, निकलने से बहुत परेशान हैं हम। हाँ, पढ़ने वाले जा रहे काकमांगे, रात में वो नहीं कर सकते, और क्या समस्या पानी की समस्या आपसे यहाँ मान लिया बहुत दिन हो गए हमें गलत तरह से यहाँ पर, और बहुत समाधान किया, किसी आदमी ने भी ऐसा समाधान नहीं किया जो इस गंद से निकालेगा। अब इस तरह फैल रही है, नलों में पानी गंदा आ रहा है, सब लोग डेंगू में मच्छर पड़े हैं परेशान। का जहाँ तक प्रश्न है, नरखेड़ा में वर्तमान समय में कोई प्रधान कार्यरत नहीं है, और वहाँ पर इस समस्या के संबंध में मुझे भी अवगत कराया गया और जिसकी मैंने जाँच कराई, तो ज्ञात हुआ है कि वहाँ पर जो भी नाली का निर्माण होना है उसमें आगे भूमि अगर निकासी के लिए उपलब्ध हो तो वो नाली बनाई जा सकती है, और उसका प्रयास भी की गया है, संबंधित भूमि वालों से भी बात की गई, तो वो जमीन देने को तैयार न होने की वजह से उस नाली का निकास नहीं हो पा रहा, वो अतिक्रमण हो चाहे भूमि की व्यवस्था हो, आपसी झगड़ों की वजह से वहाँ पर गंदगी फैल रही है और उसकी निकास की कोई व्यवस्था न होने के कारण काम। खबर बाजपुर से है, जहां राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन को लेकर बड़ी बात चल रही है, जहां गंदगी में लोग जीने के लिए मजबूर हैं। हम आपको बता दें कि विधानसभा गदरपुर के ग्राम नरखेड़ा में बसे हुए लोग लगभग 30 साल हो चुके हैं, परंतु गांव में गंदे पानी के निकासी का इंतजाम नहीं हो पाया, जिससे पूरे गाँव के रास्तों में गंदा पानी भरा पड़ा है, जिसमें तमाम मक्खी मच्छर कीड़े मकौड़े पनप रहे हैं, जिससे तमाम भयंकर बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों से संबंधित विभाग से कई बार शिकायत की, लेकिन जिम्मेदार समस्या सुनने को तैयार नहीं है। आज के उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।